आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं भाई कि अब तक जो भी कोरोना के जो डेथ चाहे हैं बिदर में हम ही करे हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम ही करेंगे जब तक जिंदगी बाकी है, जब तक और ये काम में हम भरने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। अल्लाह मियाँ अगर ये काम में हमारी जान भी ले लेता है तो हमें कोई गम की बात नहीं है, बिल्कुल हम हंसते हंसते जान हमारे खुदा के लिए बिल्कुल दे देंगे। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, लोग बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, उसमें लोग डोनेशन देते हैं, बट ऐसे काम में लोग डोनेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? बट पता नहीं है, किसी को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये सारी अमदाद जो है ना, जब तक जो हमारे पास पैसा था वो पैसा खर्च करके जो प्लाट बेचा था उससे करा मैं, अभी आगे नहीं कर सकता हूँ। फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ से वहाँ से खर्चा ला कर मैं काम कर रहा हूँ। बट अल्लाह मियाँ ये काम को हमारे को हमारी दुनिया और आखिरत अच्छी कर रहा है, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। बस लोगों से एक ही गुजारिश है कि कुछ अपना सदका हो, ज़कात हो, कुछ भी हो, कुछ भी समझ कर हमको देना चाहिए बोल के एक हमारी रिक्वेस्ट है। ना तो गवर्नमेंट से कुछ मदद आई है, ना तो कुछ डीसी से मदद आई है, ना तो कमिश्नर से मदद आई है, कोई भी ऐसे लोग नहीं है, एमएलए एमपी कोई नहीं है जो हमको मदद करे हैं। इसीलिए क्या है, अब जो भी हमको डोनेशन दिए 1,000, 2,000, 5,000 जो भी दिए हैं वही दिए हैं, बहुत हो गया उसमें। एक 10,000 रुपये हमारे पास मुश्किल से जमा हुए होंगे और एक हमारे विजय सिंह साहब एक 25,000 रुपये दिए सो है, उतना ही, उसके आगे हमारे को कोई डोनेशन नहीं दिया है। क्यों, तो अभी हम रूम भी छोड़ चुके हैं, फिर से अब आपको रूम लेना पड़ेगा क्योंकि अभी जो कोरोना का माहौल चल रहा है जैसे कि दयान जो सिम्टम्स आ रहा है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों की मदद करें क्योंकि अभी नया वायरस है बोल के बहुत लोग बोले मत करो भाई, अभी तक करे मत करो। हम बोले जब या तो मर के जाएंगे या तो जीत कर जाएंगे इंशाल्लाह। सभी लोग दुआ करिए हमारे लिए, हमारे हक में, हमारे टीम के लिए, और हमको एक नया सा रूम लेना है उसके लिए भी कोई मदद करिए। और अभी सब पूरा घर चले गए थे हम, फिर से ये कोरोना आने से हमको बहुत ज़्यादा फिर से टेंशन हो रहा है घर में। सभी लोग वही बोले रात में जो मरे थे उनको कोई नहीं आ रहा था, फिर बाद में हमको AW साहब, फिर हमारे अमरीश कंचा साहब, ये सभी लोग हमको कांटेक्ट करे। उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि काम बंद कर दिए, हमारे अमरीश सर बोले नहीं भाई काम नहीं बंद हुआ है, अरे काम जब तक उन्होंने जिंदा रहे जब तक काम चलेगा। फिर AW मठ जी और ये सभी लोग मिलकर हमको कांटेक्ट करे, फिर अभी हम यहाँ डेड बॉडी लेकर आए हैं। अभी कोई भी अगर ये लाइव सीन देखना चाहता है तो यहाँ पर आ सकता है, ये बिग बाजार के बिल्कुल पीछे है। ये कैसा मंजर रहता है, कैसा मौत का मंजर रहता है।